पानी के बारे में बोल रही हूँ। पानी इतना गंदा आ रहा है ना, गाद स्मेल इतनी गंदी, बहुत ज्यादा। सबसे बढ़िया कांग्रेस थी, उसके राज में कुछ भी सही, सब सही था। ज्यादा परेशानी तो है नहीं, मगर मुझे शराब से प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ जगह जगह ठेके खुले होते हैं, भाई आदमी पीने वाले हैं, ज्यादातर सब पीने वाली है, परेशान है शराब के ठेकों से। जब से वो केजरीवाल जी आए उन्हीं को वोट दिया हम लोग। चलो भाई, ईमानदार आदमी को जरूर आज जेल में पड़े। कौन सी पार्टी है जो दिल्ली को अच्छे से संभाल सकती है, किसको आप यहाँ पर लाना चाहते हैं? कांग्रेस, बढ़िया। दिल्ली में बदलाव करेंगे, वो भी भर भर के बदलाव करेंगे, ये आप पार्टी कहती है। वही आप पार्टी जिसके एक एक करके जो नेता हैं जेल की रोटियां खा रहे हैं, ये आप सबके सामने है, दिल्ली की जनता के सामने है, पूरे देश के सामने है। तो जिसको लेकर आज हम आ गए हैं दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में। आप बताइए, आप क्या, आप पार्टी के राज में क्या क्या परेशानियों का सामना कर रही है, या आपको उनकी सुविधाओं से आप खुश हैं? ज़्यादा परेशानी तो है नहीं, मगर मुझे शराब से प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ जगह जगह ठेके खुले होते हैं, भाई आदमी पीने वाले हैं, यहाँ ज़्यादातर सब पीने वाली है, परेशान है शराब के ठेकों से। शराब की वजह से ही आज मनीष सिसोदिया जेल में बैठे हैं, इसको लेकर क्या कहें? उसको लेकर क्या, हम सारे ही पीने वाले हैं, उस लॉकडाउन में तो एक के साथ एक फ्री भी बटी है, और अब नहीं मिलती तो लोगों को वो एक्स्ट्रा पैसे दे के भी लेके आते हैं, उनको उससे तो घर बर्बाद ही है, आदमी काम नहीं करते। आपके घर में भी क्या ऐसी ही कंडीशन है? मेरे घर में ही कंडीशन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, यहाँ के एरिया में कितनी सुरक्षा उनको मिलती है? ये सब तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो जगह जगह तो बदतमीजियाँ होती रहती हैं, लड़के करते ही रहते हैं ये तो बदतमीजियाँ। और जो यहाँ पर लाइटें लगी रहती हैं एरियाज पे, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या लाइटें यहाँ पर लगी हुई हैं? लाइट तो जल रही है, कैमरे भी लगे हुए थे अब तो बंद हैं, कैमरे तो चल रहे हैं मगर वाईफाई लगवाए थे वो बंद हो गए हैं। वाईफाई बंद हो गए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि बिल्कुल फ्री वाईफाई है, सब वाईफाई की जो सुविधा उठाएंगे आनंद लेंगे, तो वो वाईफाई के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा। वाईफाई चल रहे थे अब बंद हो गए हैं, जब से इलेक्शन हुए ना जब से बंद है। इलेक्शन के बाद से बंद हो गए हैं, तो मतलब इलेक्शन से पहले क्या चल रहे थे? चल रहे थे, यानी कि वोट के पेंसिल नहीं आ रही, भागे अजी तुम पर फालतू पहुँच गए, मेरे पर फालतू आ गए पेंसिल, ऐसे बेईमान है। अरे यू केजरीवाल इतना गंदा मुख्यमंत्री आया, इतना दिल्ली में कोई नहीं आया, ऐसे समझ में। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जो है दिल्ली को बदल दिया, दिल्ली को अमेरिका बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। बाल स्कूल में पढ़ाई तक नहीं हो रही, और फिर कह रहे हम तो ईमानदार है, कट्टर, एक उज्जैन पढ़ा, एक यू पहुँच गया, और यू केजरीवाल भी जाएगा, ऐसे यू भी ना है। सबसे बड़ा बदमाश तो युवा, अपने पास में कोई भी भाग नहीं लिया, इधर उधर सारे बांट रहा के उनसे लूट रहा, इसके द्वारा इतना पैसा होगा, पंजाब में भी लड़ रहा, 3 दिन से पार्टी बनी। जी आप बताइए, आप किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं दिल्ली सरकार के राज में? तो पेंशन तो हमारी भी ना आ रही, कई महीना हो गए दिवाली से नहीं आई। पानी के बारे में बोल रही हूँ, पानी इतना गंदा आ रहा है ना, गाद स्मेल इतनी गंदी, बहुत ज़्यादा। तो पानी, एक बात बताओ, जो मतलब हम बिल भेज देते हैं, बिल भी जैसे बोलते हैं कि बिल फ्री आ रहे हैं, कोई बिल फ्री नहीं है, कोई भी नहीं बिल आ रहे हैं कितना चले रहा है, बिल कोई फ्री नहीं है, और ना ही पानी, इतना गंदा बहुत। और दिल्ली में तो मैंने लगता ही नहीं है ये चोरों, जो चोरी करके भाग जाएंगे पता ही नहीं लगता, कंप्लेंट करें तो फ़ोन भी, अगर किसी का चोरी हो गया, कुछ भी चोरी हो गया तो पता ही नहीं लगेगा, पुलिस ही कंप्लेंट कर दी तो वो भी नहीं पता लगा कि हाँ पुलिस कोई रिस्क नहीं लेती, ये दिल्ली की सरकार है। यहाँ की जनता की जो आवाज़ है वो सरकार तक नहीं पहुँचती है, या फिर वो नहीं सुन रहे हैं? सुन ही नहीं रहे हैं, आगे तक बात जा ही नहीं रही है कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो मतलब उसका कोई वो ही नहीं, अगर हम पैसा देते हैं तब जाके आगे तक की बात होती है, गरीब आदमी की तो कुछ सुनवाई है ही नहीं, जहाँ पैसा है उसकी बूझ है। और क्या बताएंगे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहें? महिला सेफ ही नहीं है दिल्ली के अंदर बिल्कुल भी, अगर कोई लड़की है कॉलेज जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो वो सुविधा है ही नहीं। लेडीज जो मतलब जेंट्स है, जेंट्स के लिए दारू फ्री कर दी, लड़कियों के लिए या जेंट्स औरतों के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं। तो जिस तरीके से आप पार्टी के एक एक सदस्य जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जा रहे हैं, तो क्या ये सही है, उन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है? इस तरीके से आप जो कंडीशन देख रहे हैं, आप बता रही हैं, आप क्या कहेंगे? जो जैसे ये चीज़ हो रही है, इनके साथ में कड़ी से कड़ी वो होनी चाहिए कार्रवाई, इन लोगों को तो होनी चाहिए, जो ये कर रहे हैं ना इनको होना ही चाहिए, जो इन कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए इन लोगों को। आपको क्या लगता है कौन सी वो पार्टी हो सकती है? केजरीवाल की, हाँ ये कर रहा है, मुझे नहीं लगता केजरीवाल कर रहा है कुछ।
मुझे भी नहीं लगता। केजरीवाल पता नहीं, केजरीवाल ने तो मैंने आज तक सुना नहीं है दूसरों के लिए किया भाई, आज तक हमारे घर तक कुछ नहीं आया। नहीं, जैसे कि अगर केजरीवाल के अलग कोई और सी पार्टी किसको किसके राज में होनी चाहिए? ये कांग्रेस। आप नहीं तो कांग्रेस आप बोल रहे हैं? हाँ कांग्रेस जी। आप क्या बोलेंगे? सबसे बढ़िया कांग्रेस थी, उसके राज में कुछ भी सही, सब सही था। आदमी चैन से खाता था, चैन से पीता था, हर आदमी काम धंधा करता। आज तो कोई काम काज नहीं है, हम लोग फ्री बैठे हुए। आज बच्चे अगर बड़े ना होते तो हम लोग क्या करते? बच्चे भी 200-500 कमा के आते, वो भी रोज का रोज खर्चा हो जाता है, कहाँ से करेगा? जिन लोगों के घर में शौचालय नहीं है तो कितनी दूरी पे उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है? अपने अपना पैसा बचा के बनाए शौचालय, यहाँ कोई भी शौचालय नहीं बनाया मोदी तो सरकार की तरफ से। यहाँ पे यहाँ कोई वो नहीं है, यहाँ जल बोर्ड बना हुआ है, अभी तक पानी नहीं आया गली के अंदर दो। लेकिन ये केजरीवाल सरकार यानी कि आप पार्टी के अंदर आता है? कुछ भी नहीं आता इनका, उनका कुछ भी नहीं, यहाँ काम नहीं है। पटपट के अंदर तो काम उनका है ही नहीं, सब बड़े बड़े लोग का काम करा उन्होंने। आम जनता की जो है दिल्ली सरकार नहीं सुन रही है? कुछ भी नहीं। क्या क्या परेशानी आप झेल रहे हैं? आप लोग खुद जानते हैं, आप प्रेस रिपोर्टर है, आपको कुछ पता होना चाहिए इस चीज का। ये हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पर्सनल इश्यूज आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला उनके राज में, जबकि वोट भी उनको हर साल दे रहा हूँ मैं, जब से वो केजरीवाल जी आए उन्हीं को वोट दिया था हम लोग। चलो भाई ईमानदार आदमी को जरूर आज जेल में पड़े। फ्री योजनाओं की बहुत बात करती है आप पार्टी, क्या कहेंगे? कुछ नहीं योजना है, कुछ नहीं, कुछ भी फ्री आपको नहीं मिल रहा? इतना कर दिया औरतों के लिए टिकट फ्री कर दिया बस में, बस का टिकट जो है वो फ्री। इतना जाती है औरतें, वही जाती होंगी बेटी, वही जाती होंगी जो कॉलेज जा रही हो, उनके लिए सुविधा मिली, हम लोग के लिए कुछ नहीं हुआ। 5 किलो तो राशन मिला एक जने को, बताओ 1 महीने में 5 किलो खाएगा बंदा है? और कहाँ से खाएंगे? पानी की यहाँ सुविधा नहीं दे रहे ढंग में, गली गली पे गेट लग गए, इधर कुछ भी नहीं है, है? ना सफाई है ढंग में, डेंगू पेंगू 70 हो रहे, बच्चे बीमार पड़ रहे, मच्छर ब्या रहे। जब यहाँ पानी इतना गंदा आता है तो फिर आप कैसे पानी पीते हैं? मोल का मंगाते हैं और क्या करेंगे, बीमार पड़े लैटरिन लग जावे कहीं उल्टी हो। मैं मनीष सिसोदिया यहाँ के विधायक है, कितनी बार आप लोगों से मिलने आए हैं? नहीं, हमारे से कोई नहीं मिलने आया, एक बार भी वो यहाँ पर लोगों से मिलने नहीं? नहीं, हमसे नहीं मिलने आए। और वोट के समय, इलेक्शन के समय? हाँ इलेक्शन के समय तो आते, इलेक्शन के समय आए। तो आप ये कह रहे हैं इलेक्शन के समय तो आते हैं लेकिन जीतने के बाद वो यहाँ पर उनकी शक्ल आपको देखने को नहीं मिली? ना, जीतने को कोई नहीं आता जीतने के बाद। तो अगर अभी आप पार्टी, मनीष सिसोदिया की पार्टी तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद होती जा रही है एक एक करके, तो ऐसी वो कौन सी पार्टी है जो दिल्ली को अच्छे से संभाल सकती है? किसको आप यहाँ पर लाना चाहते हैं? कांग्रेस बढ़िया। तो आपने देखा कि इस वक्त हम मौजूद थे पटपड़गंज में, जो कि विधानसभा है मनीष सिसोदिया जी की, जो अब इस वक्त जेल में रोटियां तोड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे करते आए हैं कि हम जनता को सारी सुविधा देते हैं, उनके हर परेशानी के लिए हम साथ खड़े हैं, दिल्ली सरकार खड़ी हुई है। तो आपने खुद सुन लिया, एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने मनीष सिसोदिया या उनकी पार्टी की तारीफें की हों। आपने खुद सुना, हर कोई बुराई कर रहा है जो वो वादे करते हैं फ्री योजनाओं की, एक भी फ्री योजना यहाँ जो लोगों को नहीं मिल रही है सिवाय DTT बस के। तो आपने सुन लिया है यहाँ की दिल्ली की जनता की क्या राय है आप पार्टी की लेकर, साथ ही जो सीधा सीधा जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है उसको लेकर भी यहाँ के लोग जो है अग्री कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उन्होंने शराब का घोटाला किया है, ये आपने खुद सुना, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।